हाई गाइज़ वेलकम टू सुब्रमणी टुडे आई हैव अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन फ्राम हिमाचल प्रदेश वी आर ऑन अ टोर टू स्पिटी वैली एंड ही मीट हिम सर आप हिमाचल प्रदेश के बारे में मुझे ऐसे जगहों के बारे में बताइए जहाँ लोग आते नहीं हैं और बहुत खूबसूरत है लोग शिमला या ऐसा कुछ एक दो जगह जानते हैं कैन मी समिंग मोर अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड समथिंग अबाउट नमस्कार जी मेरा नाम राजेंद्र बौद्ध है और मैं हिमाचल प्रदेश का एक ट्राइबल एरिया जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है और स्पीति डिवीज़न से हूँ और लोग हिमाचल आते हैं यहाँ के आबो हवा यहाँ के संस्कृति को देखकर और हिमाचल का मतलब लोग ये समझते हैं कि शिमला मनाली और धर्मशाला ही है जबकि हिमाचल का मतलब ये नहीं है हिमाचल में बहुत सारे जगह हैं जिसमें से हमारा एक ट्राइबल एरिया भी है जिसमें लाहौल स्पीति आता है किन्नौर आता है और पांगी आता है बरमौर आता है तो वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं और उसमें खास करके स्पीति जिसको स्पीति तो सा तो साइलेंट है लेकिन इसे पीति कहा जाता है पीति मीन्स मिडल वर्ल्ड तिब्बत और ट्रांस अपना ग्रेटर हिमालय और उनके बीच में ट्रांस हिमालय आता है और वो बीच में आता है और वहाँ की संस्कृति वो खास करके और जो यहाँ का कोल्ड डेजर्ट है जो मैन उसको देखने के लिए भी लोग आ सकते हैं या सो इफ यू हैव हर्ड ऑफ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया यू हैव हर्ड ओनली ऑफ लद्दाख आपने किसी और के बारे में सुना आपको आपको शायद पता भी नहीं हो कि हिमाचल प्रदेश में भी एक कोल्ड डेजर्ट है विच इज़ वेरी क्लोज टू लद्दाख एक्चुअली पीपल ट्रेक फ्रॉम हिमाचल टू लद्दाख देर आर प्रॉपर रोड बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्रैक ऑल्सो आई हैव फाउंड वन थिंग पीपल गो टू एंड फाइंड आउट दैट भाई ये तो बहुत सस्ते में हो सकता है हम खुद गाड़ी चला के ले जाएंगे एंड आई डोंट अग्री विद दैट क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा है आई फाउंड दैट लोकल पीपल हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप गंगा में स्नान करने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो लोकल लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है आप कुछ बताएं कि लोकल लोग यहाँ पे टूरिज्म में स्पेशली ड्राइवर हो या गाइड हो ट्रू एक्चुअली स्पीति का सबसे ज़्यादा जो uh, शुरू में जो लोग आते थे 1980s या एटी और उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ट्रेवलर्स ही थे तो अभी नाइन्टी 90... यानी कि तीन चार पाँच साल हो गया है जब से वेस्टर्न टूरिस्ट थोड़ा कम हुआ है और डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे ज़्यादा बढ़ा है तो इंटरनेशनल टूरिज़म और इंटरनेशनल टूरिस्ट उनका एडवाइजरी भी है कि आप जहाँ भी जाएँ वहाँ के लोकल का सुने वहाँ के लोकल लोगों के साथ जाएँ तो जो भी गाइड है जो भी ड्राइवर है वो सारा आप लोकल लोग ही जाए और जो लोकल बोलता है उसका आप फॉलो करें चाहे लोकल का संस्कृति के बारे में हो चाहे लोकल के अपना रहन सहन के बारे में हो चाहे लोकल से जितने भी ज़्यादा इंटरेक्शन आप करेंगे उतना आपको घूमने का आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसीलिए लोकल गाइड हो जैसा अभी रिसेंटली हुआ था जो किन्नौर में शूटिंग स्टोन हुआ था तो शूटिंग स्टोन के समय किस तरह से बचना है किस तरह से अपने आप को एस्केप कर सकते हैं कहाँ हम छुप सकते हैं कहाँ क्या कर सकते हैं और अगर मान लो खुदा खास्ता कुछ हो भी गया तो उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी कहाँ है वो चीज़ें सारा लोकल बता सकता है इसीलिए इंटरनेशनल टूरिज्म एडवाइजरी ये है कि आपको लोकल का ही सुने और लोकल गाइड के साथ ही जाए ऐसा पूरा नेपाल में भूटान में और सब में ऐसा ऐसा होता है और आप क्या चाहते हैं कि जो आए टूरिस्ट उनके बिहेवियर के बारे में क्या आप कैसे वो हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि जब भी लोग आते हैं शिमला आते हैं मनाली आते हैं और धर्मशाला आते हैं वहाँ तो फैसिलिटी है लेकिन जब भी आप ट्रैवल एरिया में जाएँ हार्ड एरिया में जाएँ जिसको हार्ड एरिया भी कहते हैं आ, तो वहाँ के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज्ञान ले कर आए पढ़ के आए वहाँ का मौसम कैसा है वहाँ के लोग कैसे हैं वहाँ का रहन सहन क्या है वहाँ का हाइट क्या है हमने कई बार देखा है कि मेरे को भी बीस इक्कीस साल हो गया है इसी पर्यटन के क्षेत्र में तो हमने कई बार देखा है कि लोग आल्टीट्यूड के बारे में एएमएस जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस है उसके बारे में बिल्कुल ही ध्यान नहीं करते हैं अपना छुट्टी मनाने के लिए बहुत ही जल्द जल्द वो चाहते हैं कि हम शिमला से काज़ा को हिट कर लें और काज़ा पहुंच जाए और काज़ा आने के बाद उनको अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है अल्टीट्यूड सिकनेस होने के बाद एम का ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग कहते हैं कि भैया हम बीमार हो गए हमारे छुट्टियाँ ख़राब हो गई तो उसके लिए भी हम लोग यही एडवाइस करते हैं लोकल ये बता सकता है कि आप अगर शिमला आएंगे उसके बाद संगला आएंगे कल्पा आएंगे फिर ताबो रुकेंगे फिर काज़ा आएंगे तो आपका बॉडी ऑलरेडी एक्लेमेटाइज़ हो जाता है तो उन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके आपका इंटरेस्ट क्या है आपने देखना क्या है आप स्पीति आके कोल्ड डिजर्ट में हैं आप आप स्पीति आके ये बोलेंगे कि मुझे क्लब चाहिए पब चाहिए कैसेनो चाहिए ये चाहिए तो वो चीज़ हम यहाँ नहीं दे सकते हैं हम दे सकते हैं संस्कृति हम दे सकते हैं कल्चर हम दे सकते हैं मोनेस्टिक कल्चर हम दे सकते हैं यहाँ के अपने जो भी हम विंटर कैसे रहते हैं अपना गर्मियों में किस तरह से रहते हैं हमारा हिस्ट्री क्या है वो चीज़ें हम देते हैं दे सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि, कि एक बार हमारा कोई सेमिनार हुआ था तो उस समय हमारे हिमाचल के जो फेमस मुख्यमंत्री है वीरभद्र जी वो भी थे सी ने वो फंक्शन कराया था तो उन्होंने ये कहा था कि, कि हम कुछ भी बना सकते हैं हम फाइव स्टार बना सकते हैं हम कैसेनो बना सकते हैं सब चीज़ बना सकते हैं लेकिन हम स्पीति में जो एक ताबो मोनेस्ट्री है वो हम नहीं बना सकते आज तक करेक्ट तो हम जो है यहाँ पर जब आएंगे तो हम आपको कल्चर दे सकते हैं संस्कृति दे सकते हैं हम आपको फाइव स्टार फैसिलिटी नहीं दे सकते ये सोच के आप ना आए तो बेहतर है एंड प्लीज़ आप जहाँ एक बार आओगे आओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आई कॉल दिस ट्रिप है ओ माई गॉड ट्रिप ओ एम जी ट्रिप क्योंकि अब आप अपने जो बस में आ रहे हो या कार में आ रहे हो हर एक सीन में आपको लगता है ओ माई गॉड ओ माई गॉड इतना सुंदर कुछ हो सकता है क्या प्लीज़ कम फॉर दैट और आप, आपके माँ बाप को भी ला सकते हैं इवन एट्टी ईयर ओल्ड कैन कम इन अ प्लेस कॉल काजा यू कॉन्ट इवन एक्सपेक्ट बट देर इज़ अ ब्यूटिफुल होटल आई टॉक अल्ट रिलेटिव अबाउट द होटल all the facilities right from electric blanket to everything is available so your parents can come here you can come here you can have a very relaxed holiday ki aapko kuch karna hi nahi hai bas subah morning walk jao breakfast khao फिर evening walk जाओ ये yeah. भी कर सकते हो या तो आप यहाँ से hike पे जा सकते हो trek पे जा सकते हो yeah. beautiful places to see. And very rarely do I do interviews. So, thank you, sir. This <laughs> is non finance person. <laughs> interview thank, you. thank you. Sir. He runs a beautiful hotel. I'll talk about that hotel a little later. Thank, thank you, sir. sir. Thank, thank, you. thank, thank you very much. Thank you, thank sir. you sir. Thank you, sir. Thank you sir. So, continuing my trip to Spiti Valley, the most important guide we have is uh, Rishi. He's part of GB Ventures, and uh, we met him in GB And, uh, हेयर वी आर आई एम गोड आस्किम सम टिप्स ऑन आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए वेन यू कम टू अ प्लेस लाइक स्पिटी बिकॉज आई फाइंड लोग यहाँ तक पहुँचने के बाद बोलते हैं अरे मेरे पास वो तो जूते नहीं हैं मेरे पास इसका कोट नहीं है मेरे पास इतना टेम्परेचर मेरे पास वॉकिंग स्टिक नहीं है सो so, आप ऐसे मत आइए आइए तैयारी करके आइए ये, ये सोच के आइए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका पूरा लाभ उठाएँगे ऐसा नहीं कि यहाँ आकर के आप खरीद नहीं सकते हैं बट अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए आप उसकी तैयारी के साथ आइए यहाँ पे आपको शायद भाड़े पे भी मिल जाएगा सो दैट इज़ वन थिंग आई वॉन्ट टू टू आस्क ऋषि ऋषि वॉट इज़ योर टिप फॉर सबसे पहले हमारे को ये टूरिज़म को समझना पड़ेगा कि हम टूरिज़म किस टाइप का कर रहे हैं अगर आप रिमोट एरिया में आ रहे हैं लाइक स्पिति जैसा एरिया है ट्रांस हिमालय में आ रहे हैं या फिर कोई ईजी जगह है तो इजी जगह के लिए तो कोई ज़्यादा ख़ास आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम रिमोट एरिया में टफ़ एरिया में हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं कोई ट्रैक कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से थोड़ा सा तैयार होने की ज़रूरत है सपोज़ हम हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं द प्लेस लाइक स्पिति तो यहाँ का क्लाइमेट वेदर कंडीशन सब डिफ़रेंट है तो हार्ड कंडीशन होने की वजह से आपके तैयारियाँ कैसी होनी चाहिए यू शुड कैरी सम गुड शूज़ ट्रैक पोल्स सन ग्लास हैट ग्लव्स क्योंकि वेदर कंडीशन कब कैसी हो कोई पता नहीं होता है तो उसकी तैयारी हमें पहले से होनी चाहिए तो ऑल्टीट्यूड में जाने से पहले आपको एक्लेमेटाइज होना ज़रूरी है तो ये नहीं कि आप दिल्ली या चंडीगढ़ से चले और सीधे आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड जगह में पहुंच गए उससे पहले आपको किसी लो जगह में थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना ज़रूरी है फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये सारी तैयारियाँ करने के बाद कौन सी जगह में जाना है तो उसके लिए गाइड लेके जाए लोकल बेस्ट पॉसिबल हो कि लोकल गाइड हो तो लोकल गाइड होने की वजह से ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू अबाउट द कल्चर अबाउट द प्लेस अबाउट द एनी ऑफ एनी कंडीशन कुछ भी हो सकता है तो एक लोकल बंदा हो तो वो आपको सारी चीज़ें सही तरीके से बता सकता है कि यहाँ से कैसे निकलना है क्या करना है यहाँ के क्या रूल रेगुलेशन है यहाँ की संस्कृति कैसी है वो आपको अच्छे से बता सकता है इंड यहाँ पर कल्चर भी बहुत बहुत है मतलब आई हैव सीन थ्री मोनास्ट्रीज मोर देन वन थाउजेंड यर्स ओल्ड और दे हैव स्टूड अप टू चाइनीज मंगोलियन अटैक्स मुगल अटैक्स सब ने अटैक किया है hmm. सब ने उनको तोड़ा है फिर भी इट हैज़ बीन रीबिल्ड ये आर ब्यूटिफुल प्लेसेस जो चाहिए आपको कोई भी गोवा में या कहीं नहीं मिलेगा इट इज़ नॉट अ वेरी इजी प्लेस फॉर पीपल विथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है सो तो आपके डॉक्टर से पूछ लीजिए बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड इन अ प्लेस लाइक काजा विच इज़ फोर थाउजेंड मीटर्स ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड मीटर्स

There are house stays available in Jibi, in Tabo, in Kaza, in all the Rangrik. Rangrik is a little 5 kilometers away from Kaza. That's about also. It's almost like part of Kaza. अमेजिंग फैसिलिटीज़ सुपर यू कैन जस्ट कम चिल रिलैक्स यहाँ आओ एक महीना रहो दो महीना रहो अपना किताब लिखो गो ऑन फोटोग्राफी टोर्स गोवा फॉर स्नो लेपर्ड गो टू स्पीटी वैली आप इसको जितना स्ट्रेनुअस चाहें स्ट्रेनुअस बना सकते हो आपके माँ बाप को ला के आराम से बिठा के रख सकते हो उनको कुछ नहीं करना है सिर्फ खाना है वॉक पर जाना है सब कर सकते हो Try doing this. This is much better than taking a uh, flight to Goa. And for heaven's sake, I know people अभी बॉम्बे से ले को भी डायरेक्ट फ्लाइट है ले भी जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो तो प्लीज़ अक्मेटाइज बिफोर यू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द होटल इट इज़ ईजी टू आम है तो स्ट्रेट ले पहुँच गया आज शाम को कहीं चला जाऊँगा मत जाइए नीचे भी मत उतरिए आराम से बैठिए दो दिन लगता है अक्मेटाइज होने को मैंने रैन द ले मैराथन इन टू थाउजेंड सिक्सटीन आई टुक टेन डेज राइट right? इसलिए ये काफ़ी महंगा मैराथन है क्योंकि आपको दस दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है सो डोंट ट्राई टू क्रश इट एंड से हाँ ये तो डिस्टेंस तो छप्पन किलोमीटर है मैं आराम से पहुंच जाऊंगा नहीं पहुंचोगे आपको आराम से जाना है ये सीखो ये समझो दिस प्लेस इज डिफरेंट इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव इट इज़ गुड वेरी गुड फैसिलिटीज सीधा दाल चावल आलू पराठा ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा डोंट ट्राई टू आस्क फॉर फनी थिंग्स लाइक अ पब एंड थिंग्स लाइक दैट ये यहाँ वो ऐसा कल्चर नहीं है People are very nice, very soft. I never locked my room. Lock nahi kiya, whether it is in Gb or whether it is in Rangri, Rangri is about five kilometers from Kaza. Amazing people, great. Take a vacation, take a break. You'll enjoy it. Thank you. Thank you, sir. Guys, this is the room in which I am staying. This is Grand Devachan in uh, Rangri. This is Rangri. I mean, as far as uh, you are concerned, this is like Kaza. Like Rangri is like a suburb of Kaza, it's five kilometers away. It's actually walking distance. And look at the facilities, there is absolutely nothing missing. There's a huge high chair. <coughs> I'll now show you the bathroom because that's what they're looking for, right? One clean. Uh, yeah, this is what you're looking for, right? Nice white towels, and at a, re a place which you can reach, a uh, place where you can keep your uh, junk, good shower, and this is it. To expect this 4000 meters above sea level, I will, really, I mean, it's five star for all practical purposes, and it's called Grand Devachan. I'll show you a poster of this, and here is how it looks. This is the lobby. I am on the top floor. There is the generator to back up and that's it. It's a very small, comfy, compact, beautiful place run by this man. <laughs> yes. he, he, this is called Grand Devichan in Kaza uh, and it's called Devachan in Tabo. हाँ दी होल प्लेस इज मेड विद मड ओके अफकोर्स देर इज सम काइंड ऑफ देर इज वुड, देर इज मड देर इज इलेक्ट्रिसिटी देर इज लॉट ऑफ सोलार पावर बींग यूज इट इज इको फ्रेंडली ऑसम सर्विस एंड लेट मी टेल यू दैट वैन यू कम टू हिमाचल डोंट कम विद्यू ऑफ पार्टींगन वी गो टू गोवा राइट दिस इज नॉट गोवा दिस इज हिमाचल कम Respect the environment, don't use plastic, and it can be a great vacation. Thank you. This is the place where we stayed in Kaza. Actually, we stayed in a place called Rangrik, which is about uh, 5 kilometers from Kaza, but Kaza is the more uh, well known place.